छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पीएचसी विभाग के मानचित्रकार बीपी शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूरे जिले का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कभी कर्मचारी का आरामगाह बन जाता है तो कभी यह अपनी आदत से लाचार शराबी कर्मचारियों की हरकतों से सुर्खियों में बना रहता है। वहीं आपको तस्वीरों में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह कोई और नहीं बल्कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कोरिया में मानचित्रकार के पद पर पदस्थ बीपी शर्मा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं और कर्मचारी किस हालत में है, जो अपने पैरों पर सही ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। उसे सहारे से ले जाया जा रहा है शराब पीकर कार्यालय के कमरे में बैठे होने की सूचना रूपी शिकायत पर उसे और कोई नहीं बल्कि कार्यालय में समय राजस्व विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर ऐसे हालत में पाया गया है। कई बार इससे संबंधित खबरें भी सामने आई लेकिन ऐसा क्या है कि आज तक कर्मचारी पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं जब इस संबंध में कलेक्टर कोरिया विनय कुमार लंगेह से बात की गई तो उन्होंने उस कर्मचारी के खिलाफ में विभागीय जांच की बात कही। कोरिया से विश्वास सिंह की रिपोर्ट। पीएचई डिपार्टमेंट में बेसिकली एक ड्राफ्ट मैंने उनके संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि वो नशे की हालत में ऑफिस में रहते हैं, तो उसके संदर्भ में हमने पूरी जांच पड़ताल की है और उसमें ईपीएचई को हमने निर्देशित की है कि समय सीमा में जो भी विभागीय जांच है डी संस्थित की जाए और तत्काल उसमें जो भी नियमानुसार जो हमारे सिविल सेवा आचरण अधिनियम होता है उसके अंतर्गत कार्रवाई करके मिल पाएंगे वो रिपोर्ट करें।